हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई बच्चा मिड टर्म में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइनल टर्म में आपको पास होना बहुत जरूरी है। फाइनल टर्म में जितने नंबर का भी आपका पेपर है, जितने नंबर का भी पेपर है, जैसे मान लेते हैं आपका पेपर 80 मार्क्स का है, तो आपको जो है 25% यानी कि 20 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद आपके जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह है या जो भी फाइल वगैरह उसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो उसके मिलाकर ना 100 में से 33 हो जाने चाहिए। अगर मान लो 33 से कम भी होते हैं तो उसे ग्रेस मिल जाएगी। इतना है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मिड टर्म में आपके खराब चले गए या बेकार हो गए, कुछ नहीं है, बस फाइनल टर्म में आपके जो है ना 80 में से 20 होने चाहिए। अगर 20 में से 1 भी कम होगा तो आपको उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी मैं चाहूंगा कि किसी के ना आए, पर जो भी है ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आप घबराओ मत और वैसे आगे के बारे में सोचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर स्टूडेंट्स।